सफर के इस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर दी गईं। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। आपको अहम खबर से नाज़रीन आगाह कर रहे हैं, साइफर केस में बानिया पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर दी गई। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से इन्हें बरी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, साइफर केस अपडेट करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाज़िब मलिक। जी शाज़िब, साइफर केस के बारे से अहम फैसला, क्या मज़ीद तफ़सीलात हैं आपके पास? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है बानी चेयरमैन पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को। साइफर अपीलें जो है वो मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो है वो बरी कर दिया है और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे कदम जो है वो करार दे दिया है। और साइफर केस में मरकजी अपीलों पर जो फैसला था वो कुछ देर पहले महफूज किया गया था और अब जैसे ही अदालत ने जो है मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया है, जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलाम हसन ज़ैब ने महफूज फैसला सुनाते हुए साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया है। ये मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 26 फरवरी को जो है साइफर के मुतालिक पहली समाअत हुई थी और उसके बाद आज जो है दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए, उसके बाद प्रोसिक्यूटर की जान से दलाइल दिए गए, तो दलाइल देने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर पहले ही जो था ये फैसला सुनाया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ज़ैब ने। और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे कलानम करार दे दिया है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो था बरी कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलादम करार देते हुए महफूज फैसला जो था वो सुनाया है, मुख्तसर फैसला जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो है वो बरी कर दिया है। जी, साइफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गईं। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा कैपिटल टीवी, बहुत शुक्रिया आपका शाज़िब मलिक हमें अपडेट करने के लिए। साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। साइफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। महफूज फैसला इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सुनाया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर दी गईं। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा, केस से मुअत्तल, केस के हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करें, बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल कर दी गई और केस से बरी किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अहम खबर आपको एक बार फिर बताएं, बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। साइफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। अब से कुछ देर पहले भी इस फैसले के हवाले से सामने केस की तफसीलात सामने आने के हवाले से अपडेट्स थी। जजेस ने इस पर थोड़ा वक्फा दिया और कहा कि 10 से 15 मिनट बाद दोबारा आकर इस अहम केस के हवाले से जो तफसील है, जो फैसला है, वो जारी किया जाएगा। जिस पर अदालती अमले ने भी यही कहा कि जजेस फैसला आकर सुना रहे हैं, आप सब मौजूद रहें, बैठें और कुछ देर में साइफर अपीलों पर मुख्तसर फैसला जो वो सुना दिया जाएगा। आपको बताएँ कि यह अहम फैसला आ चुका है और इस फैसले के मुताबिक साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर की गई हैं। बानिया पीटीआई और शाह महमूद की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। साइफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया गया। महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सुनाया। साइफर केस बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की खिलाफ अपीलें मंजूर। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल, केस से बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
ट्रायल का फैसला, ट्रायल कोर्ट का फैसला कलदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलदम करार दे दिया। साइफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने सुनाया। साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाज़िम मलिक।